हाय एवरीवन, वेलकम टू सैन एंड बुटेक। दोस्तों, आज एक्सेल 2016 में 3D मैप कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मैप होता कैसे है। तो इस तरह से आप मैप बना सकते हो, इसे रोटेटिंग मैप, इसका इसे वीडियो भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास ये डेटा है। डेटा के अंदर फील्ड जो है कंट्रीज नेम एंड पॉपुलेशन। ये 2020 का पॉपुलेशन है, ये आप कहाँ से भी वेबसाइट से ले सकते हैं। मैंने जो वेबसाइट यूज़ किया है यही worldmeter.info, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसका डेटा आप कॉपी करके एक्सेल में ले सकते हो। तो इसमें से दो फील्ड्स है, एक कंट्री नेम एंड पॉपुलेशन। तो अब देखते हैं कि ये 3D मैप कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले ये पूरा डेटा आप सिलेक्ट कर लो, देन आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट के अंदर 3D मैप, ये चार्ट के बाजू में ऑप्शन है, यहाँ पर ओपन 3D मैप्स, ये ओपन करना है। तो इसके अंदर न्यू टूर्स के इसके ऊपर क्लिक करना है। ये 3D मैप, ये जो ऑप्शन है एक्सेल 2010 के अंदर 10 में अवेलेबल नहीं है। एक्सेल 2013 से आगे के जो भी वर्जन्स हैं इसके अंदर ये 3D मैप अवेलेबल है। इसे पावर 3D मैप भी कहा जाता है। तो अभी ये डेटा सेलेक्ट करके ये ऑप्शंस, ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हुई है। तो देखो, जो भी फर्स्ट फील्ड नेम है तो वहाँ से कंट्री नेम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए, और जो भी जियोग्राफिकल एरिया है ये यहाँ पर आपको ये डॉट्स डिस्प्ले हो जाते हैं। तो आप यहाँ से देखो, ये फील्ड्स है, इसके ये फील्ड्स के अंदर आप कोऑर्डिनेट अगर आपके डेटा में है, लैट लॉन्ग डेटा अगर है तो वो भी आप ले सकते हो। पिन कोड है, सिटीज़ स्टेट अगर है, स्टेट के नाम है, वो भी ऑटोमेटिकली कंसीडर करता है। तो ये जो अपना डेटा है तो इसमें से 94% ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया गया है। तो ये 94 के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो ये जो डेटा है तो इसमें वो बताता है कि ये डिटेक्ट नहीं हुआ है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर टर्की है तो ये USA, ये तो ये आप करेक्ट कर सकते हो। और करेक्ट अपने डेटा के अंदर करेक्शन करने के बाद आप यहाँ से रिफ्रेश डेटा के ऊपर क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली वो डेटा फील्ड्स के अंदर ऐड हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो हाइट फील्ड है तो ये हाइट के अंदर आपको प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो पहले यहाँ पर हम लेते हैं पॉपुलेशन, जो सेकंड फील्ड है, जो हमारा एक्सेल शीट के अंदर ये सेकंड फील्ड जो है, ये पॉपुलेशन की हर एक कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, ये फील्ड हमने हाइट में ऐड कर देना है। तो ये ऐड करने के बाद आप देखो, अभी ये इसी चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, आपको यहाँ पर जो अलग अलग चार्ट टाइप हैं, ये चार्ट टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किस तरह से आपको चार्ट्स लेना है। देखो, जो भी आपको चाहिए ये आप ले सकते हो। देन मैं ये चार्ट लेता हूँ। अभी यहाँ पर देखो कि ये चार्ट इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है कि जो भी कंट्री का पॉपुलेशन हाईएस्ट है वो डार्क कलर में आपको डिस्प्ले हो जाएगा, और जो कंट्री का पॉपुलेशन कम है तो लाइट कलर में, जो यहाँ पर है लीजन में, तो इस तरह से आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप फील्ड ऐड कर सकते हो। इसके अंदर अगर आपको दूसरा फील्ड लेना है तो आप ले सकते हो। अभी ये वैल्यूज़ के अंदर मैंने डाल दिए कट करके, अगर मैं कैटेगरीज में ऐड कर देता हूँ पॉपुलेशन तो ये इस तरह से आपको डिस्प्ले हो जाएगा। बाइक कलर, हर एक कंट्री का अलग अलग कलर में आपको चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। तब अभी मैं ये जो पॉपुलेशन फील्ड है ये वैल्यूज़ के अंदर ही डाल देता हूँ। और मुझे अगर ये चार्ट, ये जो कलर है ब्लू कलर, ये अगर चेंज करना है तो आप नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद लेयर ऑप्शन में आपको जाना है, और लेयर ऑप्शन में यहाँ पर आप ये कलर चेंज कर सकते हो।
तो इस तरह से एक कलर चेंज हो जाएगा। एक कलर स्केल आप कम ज़्यादा कर सकते हो, देखो इस तरह से आप कलर स्केल चेंज करके ये आपका चार्ट 3D मैप क्रिएट हो गया। अभी ये इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये जब आप क्रिएट करते हो तो आप इसके अंदर ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अभी हम करने वाले हैं, अभी मैं यहाँ पर मैप लेबल ऑन कर देता हूँ। तो ये मैप लेबल अगर ऑन किया तो आपको हर एक कंट्री के लेबल्स डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे कि चाइना, इंडिया, ये लेबल्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी इसके बाद आप इसे यहाँ से जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट ये आप यहाँ से करके देख सकते हो। देन आपका ये सीन वन क्रिएट हो गया है। अभी अगर नेक्स्ट आपके बहुत सारे फील्ड्स है, जैसे कि पॉपुलेशन के अलावा सेक्स रेशियो है, ईयरली ग्रोथ है, तो ये आप अलग अलग सीन में क्रिएट कर सकते हो। तो अभी ये फर्स्ट सीन 10 सेकेंड का क्रिएट हो गया है। तो अगर ये हम इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, तो ये सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करो। देन ये जो एनिमेशन या वीडियो चलने वाला है 10 सेकेंड का है, तो इसके लिए इफ़ेक्ट हम क्रिएट करते हैं कि रोटेट ग्लोब। ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर, ये रोटेट ग्लोब लेते हैं, थोड़ा स्पीड उसका बढ़ा देते हैं, देन इसे प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह से ये ग्लोब आपका, ये 3D मैप इसके अंदर क्रिएट हो गए। तो ये पूरा राउंड अप होने के लिए इसे हम यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन है ये नियर अबाउट 30 सेकेंड तक कर लेते हैं, ये 30 सेकेंड तक चलेगा। इसके बाद में ये जो है यहाँ पर अलग अलग मैप ले सकते हैं, जैसे कि फ्लैट मैप में इसे कन्वर्ट करना है तो फ्लैट मैप में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये फ्लैट मैप में हो गए, या इसे ऑफ कर देते हो तो वो 3D में हो जाएगा। इस तरह से आप ये मैप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर इसकी लोकेशन हम नीचे ले लेते हैं, थोड़ा लोकेशन छोटा कर देते हैं। यहाँ से लेयर वन ये जो टाइटल है इसे यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसे हम इसी ये टाइटल क्रिएट कर दें। अभी इसे अगर वीडियो में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक करो, और इसके इसके अंदर ये जो ऑप्शन है कि HD डिस्प्ले में करना है या 720 में ये वीडियोज़ बनाना है कि मोबाइल व्यूज़ में बनाना है, तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करो और क्रिएट के ऊपर क्लिक करो। और जो भी लोकेशंस के ऊपर आपको ये सेव करना है वहाँ पर आप MP4 फॉर्मेट में उसे सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये बाकी जो सेटिंग्स है, बाकी जो ऑप्शंस है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, यानी अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।